हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वृत्त की। तो दोस्तों, एक आरआरबी एनटीपीसी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त की जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। वृत्त की जीवा की लंबाई अपनों को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। ये वृत्त दे रखा है, तो वृत्त इसमें दे रखा आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। यानी त्रिज्या कौन सी होती है दोस्तों? ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। यानी कि यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे कौन सा बिंदु है? बी है, और ये इसकी त्रिज्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर। जीवा, ये इसकी जीवा होती है। ए बी इसकी क्या है? जीवा है। ठीक है, और ये कितनी दूरी उसकी? 6 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई अपनों को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, और यहाँ से ओ से यहाँ तक एक ओ एम एक लंब है, और यहाँ बनता है 90 अंश का कोण। तो ये बनता है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, या 90 अंश का कोण बनता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, बताओ आपको? समकोण त्रिभुज में होता है एक तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। और कर्ण कितना दोस्तों इसमें? यहाँ से ये रेखा इसकी कर्ण होती है, कर्ण एन 10 का स्क्वायर। आधार यहाँ से अपनों को ए एम इसका आधार है, ये तो अपनों को ज्ञात करना है। धन लंब कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। बराबर ए एम का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और ये 36 इधर माइनस हो जाएगा 100 में, है ना? 100 माइनस 36 बराबर ए एम का स्क्वायर, और 100 में 36 गए तो कितने बचे? 64 बराबर ए एम का स्क्वायर। और जब ए एम के यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है? और 64 का और गुण कितना होगा? 8 होगा। ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ देखने की यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इसका दुगना इधर है, 8 इधर होगा, तो 8 नेट कितना होगा? 16। यानी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? जीवा बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 16 के हिसाब से मैं डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।